वेल ठीक है, परहैप्स यू हैव नॉट फाउंड इट सो येट, और अभी भी तुम मतलब नहीं समझ पा रहे हो, सैड एलिस, एलिस ने कहा। बट वैन यू हैव टू टर्न इन टू ए क्रिसेल्स, यू विल कम डे यू नो, एंड देन आफ्टर दैट इन टू ए बटरफ्लाई। आई शुड थिंक यू शैल फील इट ए लिटिल क्विट वन यू। तो वो क्या कहती है, अगर तुमको एक मतलब क्रिसेल्स अंडे में रख दिया जाए और कुछ दिन के बाद तुम क्या उसमें से जब क्या निकलोगे, एक बटरफ्लाई बन के, जैसे कॉकून, जब हम जो वो होता है ना कैटरपिलर, और जो अपने कॉकून्स का वो अपना ऊपर वो कर लेता है ना, तो फिर वो किस में बदल जाता है, बटरफ्लाई में। थिंक तुम मतलब तुमको कितना अजीब नहीं लगेगा, क्वीन मीन्स होता है स्टेन, तो वो क्या तुमको अजीब नहीं लगेगा। नॉट ए विट सैड द कैटरपिलर, मतलब उसने क्या, नहीं कैटरपिलर ने कहा। वेल परहैप्स यू फीलिंग मे बी डिफरेंट, हो सकता है शायद मतलब मैं तुमसे थोड़ा डिफरेंट फील कर रही हूँ, सैड एलिस, एलिस ने कहा। ऑल आई नो इज इट वुड फील वेरी क्विट टू मी, और शायद मेरे लिए थोड़ा मतलब मेरे और तुम्हारे फील करने में डिफरेंट हो। ओके यू एक्सक्लेम द कैटरपिलर, हु आर यू, तुम उस पर इतना चिल्ला क्यों रही हो, तुम कौन हो, कैटरपिलर ने कहा। विच वॉट दैम बैक अगेन टू द बिगनिंग ऑफ द कन्वर्सेशन, उनकी वही सारी कन्वर्सेशन स्टार्ट हो गई जो स्टार्टिंग में हुई थी ना, कि हु आर यू, तुम कौन हो, ये सारी उनकी कन्वर्सेशन फिर से स्टार्ट हो गई। एलिस फेल्ट ए लिटिल इरिटेटेड एट द कैटरपिलर्स मेकिंग सच वेरी शॉर्ट रिमार्क्स, और एलिस बहुत ज़्यादा इरीटेट हो रही थी, वो इरीटेट इसलिए हो रही थी ना जो कैटरपिलर था, तो फिर वो वही उसी से वही सारे क्वेश्चंस कर रहा था कि तुम कौन हो, तो वो जिस तरीके से जो रिमार्क कर रहा था ना, उससे एलिस बहुत ज़्यादा कैसी हो रही थी, इरीटेट हो गई थी। एंड सी ड्रू हरसेल्फ अप एंड सैड वेरी ग्रेवली, ड्रू हरसेल्फ अप मीन्स क्या होता है, स्टूड अप स्ट्रेट एंड टॉल, और वह कैसी खड़ी होगी, स्ट्रेट खड़ी होगी। एंड सैड वेरी ग्रेवली मीन्स होता है सीरियस, बहुत सीरियस वे में बोली, आई थिंक मैं सोचती हूँ यू ऑट टू टेल मी हु यू आर फर्स्ट, कि सबसे पहले तुमको बताना चाहिए कि तुम कौन हो। ओके वाई सैड द कैटरपिलर, कैटरपिलर ने कहा क्यों, मैं क्यों, हियर वॉज अनदर पजिंग क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा कैसा पजिंग क्वेश्चन था, डिफेंड था। एस एलिस कुड नॉट थिंक ऑफ एनी गुड रीजन्स, और एलिस को कुछ भी मतलब गुड मतलब समझ नहीं आ रहा था। एंड एज द कैटरपिलर सीम टू बी ए वेरी अनप्लीजेंट स्टेट ऑफ माइंड सी टर्नड अवे, और जो कैटरपिलर भी क्या कर रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा अपने दिमाग से अपसेट हो चुका था, मतलब एलिस कुछ पूछती थी और वो कुछ आंसर करता था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा मतलब कोई भी उसे रीज़न नहीं समझ में आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा था, सी टर्नड अवे। सो वो वापस मुंडी, कम बैक, वापस आओ, द कैटरपिलर कॉल आफ्टर हर, उसके बाद कैटरपिलर ने उससे कहा, आई हैव समथिंग इम्पॉर्टेंट टू से, मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंस करना। दिस साउंड प्रॉमिसिंग, ये जो साउंड था प्रॉमिसिंग मीन्स क्या होता है, इट्स सो साइन ऑफ बींग सक्सेसफुल इन फ्यूचर, ये एक ऐसा मतलब जो आवाज़ इसने ये लगाई थी वो एक ऐसी आवाज़ थी जिसमें उसने ये प्रॉमिस कर रखा था कि मतलब अब हम दोनों लोग इस तरीके से बात नहीं करेंगे। सो एलिस टर्न एंड सो एलिस वापस आती है एंड कम बैक अगेन, और फिर से एलिस मुड़ती है फिर वापस आ जाती है। कीप योर टेम्पर सेट कैटरपिलर, कैटरपिलर ने क्या कहा, मतलब टेम्पर मीन्स यहाँ पे यूज किया गया, मतलब क्या तुम अभी भी गुस्सा हो, मतलब अभी भी तुम गुस्सा किए हुए हो, इज इट ऑल, हो गया, सैड एलिस, एलिस ने कहा। स्वॉलोइंग डाउन हर एंगर एज वेल एज सी कुड नो सैड द कैटरपिलर, मतलब गुस्सा तो उसको था लेकिन उसको गुस्से को कंट्रोल करते हुए वो ऐसे बोलती है ना, जैसे कोई जब कंटिन्यू ये क्वेश्चन पुटअप करता रहता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, बस हो गया आपका, तो वो अपने गुस्से को कंट्रोल भी कर रही थी और बोल रही थी, बस हो गया क्या तुम्हारा, नो नहीं सैड द कैटरपिलर, कैटरपिलर ने कहा, नहीं अभी मेरा नहीं हुआ है। ओके योर लेक्चर इज कंप्लीटेड और नोट डाउन योर होमवर्क, होमवर्क में आपको इसकी रीडिंग करनी है। ओके थैंक यू क्लास।